सोच रहे हैं आप? तुम अभी तक सोई नहीं? आप नहीं सोए तो मैं कैसे सो सकती हूँ? पार्वती, आज हमें नींद नहीं आएगी। वो सब कुछ बिगड़ गया जो हम बनाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ नहीं बिगड़ा, यही ना, वो हथियारा संधि नहीं करेगा, ना करे। बात संधि की नहीं है पार्वती, लेदे के बुंदेला सरदार गोविंद पंत हमारी आखिरी आस रह गया था। उसने हमारा पैसा देना था, रसद देनी थी, अब्दाली के बाजू पर हमला करके उसे कमजोर बनाना था। उसका सर काट के उस वैश्य ने हमारी नाड़ी की नस काट दी। नहीं, नहीं, ऐसा अशुभ मत कहिए, भगवान भला करेंगे। आप कुरुक्षेत्र हो आते? यही तो हमसे भूल नहीं पाती कि हम कुरुक्षेत्र की तरफ इतने उत्तर में चले गए कि हम अपने गढ़ से कट गए, और अब्दाली ने रास्ता काट दिया रसद का भी और वापस जाने का। अब क्या होगा? अब सुलह नहीं होगी। ना, हमारा इतना बड़ा लश्कर है और रघुबा से पहले भी हरा चुके हैं। नहीं पार्वती, तब अब्दाली नहीं, उसका बेटा तैमूर था। अब अब्दाली है, हम उसके पीछे नहीं, वो हमारे पीछे। उसके पास खाने के लिए है, हमारे पास खाने के लिए नहीं है। और हमारे साथ स्त्रियां हैं पार्वती। हमारी चिंता है, चिताएं जलवाइए हम सबके लिए, शत्रानियों की तरह हम भी जौहर करके सती हो जाती हैं। आप शत्रु से लड़िए। नहीं पार्वती, आप जीवित रहेंगी, आप यहां से जीवित जाएंगी, ये हमारा आपको वचन है। भुखमरी से सिपाहियों की हालत बिगड़ी है, जानवर भी मर गए। काशीराज जी, जी, गोविंद पंत ही वो एक ऐसे आदमी थे जिन्होंने हमें हथियार नहीं बल्कि अनाज चारा और लगान दिया था। अहमद शाह अब्दाली ने रसद भी बंद कर डाली। आपने कुंजपुरा का किला फतह किया, अब्दाली को इस बात का गुस्सा है और उस पर अताई खां काबुल से 8,000 खुरासानी घोड़ों का लश्कर लेकर आ गया, और गोविंद पंत भी नहीं रहा जो उसे पीछे से तंग करे। क्या वो हमला करेगा? नहीं, आपने पानीपत में मजबूत मोर्चे बना लिए हैं, उनके पास 70 से आपके पास 200 तोपे हैं, वो हमला नहीं करेगा बल्कि शायद आपको हमला करने के लिए मजबूर करेगा। हम पानीपत के मजबूत मोर्चे के पीछे बैठकर कोने से पेशवा जी की फौज का इंतजार करना चाहते हैं। इब्राहिम खान गादी भी इस बात से सहमत, लेकिन होलकर जी और दूसरे नहीं। हम हमला कर सकते हैं काशीराज जी, लेकिन हमारे साथ इतनी स्त्रियां हैं। नजीब बाएं मोर्चे पर है, इसलिए वहां से स्त्रियां निकलकर जाट और राजपूत इलाकों में जा सकती हैं।
आप मल्हार राव होलकर जी से बात करें तो ये बात मेरे दिमाग में है। मैं जानता हूं कि होलकर जी के नजीब के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, इसलिए मैंने उनका लश्कर नजीब के लश्कर के पास रखा। वो खड़ियाई भी तो मैं। और कोई आदेश? एक आदेश। काशीराज जी, आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि मराठा सरदार अपनी आन के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा देता है। अगर इस युद्ध में उन्हें वीरगति प्राप्त हो गई तो आप शुजाउद्दौला से कहिएगा कि उनके शवों का निरादर न होने दें, बल्कि उनको अंतिम संस्कार दें। नहीं नहीं, ऐसा न सोच, ऐसा नहीं होगा। अब्दाली धन का भूखा है, उसके सिपाही पैसे के लिए सौदा करते हैं। मैं और शुजाउद्दौला धन देकर यह धर्म निभाएंगे। फिर आप जाइए और संजय बनकर देखिएगा और बताइएगा कि इस महाभारत में क्या हुआ।